पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्षा कैसे होती है और उन बादलों में पानी कहाँ से आता है। तो इस वीडियो में हम लोग वर्षा के महत्व और नुकसान दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता। कैसे अकाल पड़ता? खेत सूख जाते, यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी हम लोगों ने क्रॉप्स उगाया है वो सब धूप से पानी ना मिलने के कारण सूख जाते और गाय बैल मरने लगते। तो यहाँ पे काऊ और बफेलो बिना पानी के मरने लगते। वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आती है, तो अगर बारिश ज्यादा होती है तो फ्लड हो जाता है, गांव घरों में पूरा फ्लड डुबा देता है। और क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स उगाए हैं वो भी ज्यादा बारिश से और फ्लड की वजह से पूरा विनाश हो जाता है। मतलब यहाँ है कि बाढ़ जो है वो अकाल मचा देता है। ठीक है, तो बारिश अधिक होती है तब भी हम लोगों को नुकसान होता है, अगर नहीं भी होती है तो भी हम मानव और प्राणी लोगों को यहाँ पे जीने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पानी के क्या क्या उपकार हैं।